हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी किचन। नंदनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया फ्रेंड्स नारियल और मूंगफली की चटनी, जो कि इडली सांभर के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। साथ में मैंने अप्पम बनाया था, तो मैंने ये नारियल की चटनी बनाई है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे रखा है बहुत ही डिफरेंट तरीके से। मैंने इसे बनाया है, ये कोन अप्पम है। मैंने बहुत ही इसकी खास और यूनिक रेसिपी शेयर की है। मैंने इसे पत्तों से बनाया है। इसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे नारियल 4 बड़े चम्मच, 2 बड़ा चम्मच मूंगफली, ये रोस्टेड है भुना हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। इन सभी को इसमें हम ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैं करीब 1/2 छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच दही, इससे बहुत ही गाढ़ा टेक्सचर आएगा हमारी चटनी में और इसका कलर बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। ये बिल्कुल फीका नहीं पड़ेगा, आप घंटों या 1 दिन 2 दिन बाद भी इसका कलर हमारी चटनी का बिल्कुल फीका नहीं बनेगा, बिल्कुल वाइट बना रहेगा। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी, जिससे ये पीसने में आसानी हो जाएगा। और जितना आपको गाढ़ा या पतला चटनी बनाना, उस अनुसार इसमें पानी ऐड करके बना सकते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो गई हैं। अब चलिए इसे हम पीस कर इसकी चटनी बना लेते हैं। चटनी यहाँ पर हमारी पीस के अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैंने कुछ इस टेक्सचर का इसे पीसा है, न बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये, न बहुत पतला, बस ऐसा ही इसका टेक्सचर मैंने रखा है। आप चाहें तो इसे आप पानी ऐड करके या दही ऐड करके पतला या गाढ़ा बना सकते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। और इसे बाउल में निकालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तड़का। गैस पर रखेंगे तड़का पे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, हो जाए तब उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच राई और थोड़ा सा करी पत्ता। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया से नारियल और मूंगफली की चटनी हो गई है रेडी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप एक बार इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। और पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।